नारायणाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, कहते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान जो एकादशी तिथि पड़ती है उसका बहुत ही महत्व बताया गया है। इस कथा का श्रवण करने से पितृगणों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है या पाठ करता है उसके पितरों को सदगति प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितर को अधोगति से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इसके सुनने मात्र से ही वायप्य यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय में, सतयुग के समय में, महिष्मति नाम की नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम इंद्रसेन। वे बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। वह राजा पुत्र पोत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद मुनि जी आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन वे अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन भगवान विष्णु जी की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल से हैं और मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद मुनि जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक दिन ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जल में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन पवित्र जल से स्नान करें, फिर नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करें। भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फल आहार
भोजन कराएं और दक्षिणा दें, पितरों को नमस्कार करें, पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो माता को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान विष्णु जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा जी के पिता गरुण पर चढ़कर विष्णुलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निस्संकट राज्य करके अंत में पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठर, इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार सभी भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य